साई वे मेरे यार वे मेरी सिमत मोड़ मुहार वे मेरे साई वे मेरे यार वे मेरी सिमत मोड़ मुहार वे मुझे अपने नैनों के पास रख मुझे अपने दिल में उतार वे मुझे मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी अलिश्बा। मेरी? इंस्पेक्टर एक FIR लिखवाएं। हाँ लिख देते हैं, हुकुम कीजिए किसके खिलाफ? पीर करामत शाह के खिलाफ। पीर बादशाह? हमें शुबा है कि उन्होंने हमारे बेटे मोहसिन को कत्ल किया। मेरी पीरनी को जहर देने की कोशिश की थी ना, आया याद मैं भी थाने जाऊंगी आपके खिलाफ रिपोर्ट कराने के लिए। अवतार है मेरा मुर्शिद सर, आसमानी मखलूक है। आप उनको जमीन का बाशिंदा ना समझे, ना ना ना, तौबा तौबा। अच्छा मगर ये आपका ख्याल है क्योंकि आप उनके खलीफा हैं, मगर जो आप उन्हें समझते हैं क्या आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं आवाम को? आवाम तो पहले ही उनकी गुलाम है और खामखा तो नहीं है ना। क्यों पूछते हैं लोग उन्हें, क्यों उनके दरबार में झोलियां फैलाते हैं और सबकी झोली भर भी जाती है? आखिर कोई तो वजह होगी ना मैडम, कोई वजह होगी। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। रूहानियत, बुजुर्गी, अल्लाह साईं की गुरबत और पीरानी माई की दुआएं। अच्छा कभी पीर करामत साईं को शिकस्त हुई है, हारे हैं कभी वो? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा प्यार मोहब्बत का मामला जहाँ पे किसी का जोर नहीं चलता, क्या कभी पीर करामत शाह को मोहब्बत हुई है किसी से, किसी लड़की से? देखिए मैडम, मैं तो उनका नौकर हूँ, उनका खिदमत गुजार, उनका गुलाम। ये राजदारी तो बराबर वालों से होती है, गुलाम से नहीं। आप बात को घुमा रहे, क्यों टाल रहे हैं आप बात को? दुनिया की जुबानों पे तो तरह तरह की कहानियां फैली हुई हैं। कहानियां? किसकी कहानियां? अच्छा चले ये बताएं कि पीर करामत शाह और मोहसिन शाह के दरमियान झगड़े की वजह क्या थी? नहीं झगड़ा तो कोई नहीं हुआ था। अच्छा तो फिर मोहसिन शाह घर छोड़कर क्यों चले गए थे? वैसे तो बहुत मोहब्बत थी दोनों भाइयों में। मोहब्बत अपनी जगह होती है, रुतबा अपनी जगह। क्या मतलब? असल में मोहसिन शाह मरहूम हमेशा से ही बराबरी, मेरा मतलब है कि एक जैसी हैसियत के ख्वाहिशमंद रहे थे। ओह, लेकिन सुने दोनों भाइयों में रकाबत पैदा हो गई थी, वो भी एक लड़की की वजह से। दोनों भाई एक ही लड़की को पसंद करते थे? नहीं, मुझे तो नहीं पता इस बात का। हो सकता है ये रकाबत ही मोहसिन शाह की मौत की वजह। नहीं मुझे तो पता नहीं है ऐसी किसी बात का। देखिए मैडम, ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये चट्टान होते हैं, चट्टान। बड़ा जलाल होता है उनकी शख्सियत, कोई उनसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता, और अगर टकराने की हिम्मत करे तो आप खुद देख लो, बड़े से बड़ा रिश्ता भी भस्म हो जाता है। कोई उनके जलाल का मुकाबला कर सकता है भला? बिल्कुल नहीं। साईं, अगर आप मेरी माने ना
तो आप जाकर खुद शादी की तारीख तय करें, जल्दी से जल्दी निकाह कर लें और किसी को कानो कान खबर ना होने दें। क्यों, मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा? मेरे बादशाह, नजर लग जाती है, नजर लग जाती है, बल्कि अब तक आपको नजर ही तो लगी हुई थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? साईं, देखे धूमधाम बाद में होती रहेगी, आप साईं मेरे बादशाह जल्दी से अपना घर बसाए बस। अम्मा के बगैर? साईं देखें, जब आप अपनी दुल्हन को लेके अम्मा सैन के पास जाएंगे ना, तो उनका सारा गुस्सा, सारा गिला शिकवा आंसुओं में बह जाएगा। आप देख लेना, वो मोम हो जाएंगी, मोम। साईं आपको दुआएं देंगी, खुश हो जाएंगी। ये लो भाई, इसमें सारी रिकॉर्डिंग है। पूरा एक हफ्ता लगा मुझे। I must say it was tiring job. ऊपर से गांव में एक हफ्ता, उफ, बहुत गर्मी थी। तौबा यार। थैंक यू शुमाइला। डोंट बी फॉर्मल। तुमने कहा, मैंने कर दिया। तुम्हें पता है सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वहां पे था, खलीफा सिंदल। अच्छा, उसमें क्या इंटरेस्टिंग बात थी? कैमरे के सामने आते ही ऐसे अकड़ गया जैसे कि ड्रामों का टॉप एक्टर बन चुका है। तुम देखना, तुम्हें पता चल जाएगा क्या कॉन्फिडेंस था उसका। अदाएं चेक करना उसकी। हाँ, जरूर देखूंगी। लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। तकलीफ कैसी? माय प्लेजर अलिशबा। फिर भी तुम्हारा इतना वक्त जाया हुआ मेरी वजह से, बिला वजह। बिला वजह? अरे तुम इंटरव्यूज देखना, अवाम करामत शाह को पूछती है, अंदाता मानती है उसे अपना। मैंने भी मान लिया उसे अपना सब कुछ। What? Are you joking? No, I'm serious. इतनी जल्दी बदल गई तुम? यकीन नहीं हो रहा मुझे। और मोहसिन शाह का केस? मोहसिन मेरा माजी था और करामत शाह मेरा मुस्तकबिल है। होश में हो तो? अब होश में आ गई हूँ। बहुत इमोशनल हो गई थी, लेकिन रियलिटी को तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। मैंने भी कर लिया। पता है क्या, दिल और दिमाग के टकराव में जीत हमेशा उसी की होती है जो अकल से फैसला करता है। दिल का क्या है, वो तो बहकाता ही है। दानिशमंदों के फैसले दिमाग से किए जाते हैं, दिल से नहीं। Anyway, तुम बताओ क्या लोगी तुम? चाय, कॉफी, जूस, एनीथिंग? नहीं मैडम, आपके दिल और दिमाग की बातें सुन के मेरा सर चकरा रहा है। क्यों नहीं निकलेंगे? पहले साईं शमीर की मुंह चढ़ी थी और अब करामत साईं की। पता नहीं करामत साईं इतना भरोसा क्यों करते हैं उस मनहूस पर। आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूं उसको। उसे रोको अमीर बख्श, उसे रोको। अगर उसने रिपोर्ट लिखवा दी तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगी मैं भी और तुम भी। मेरा क्या ताल्लुक है वडेरी? आपने जो किस्सा सुनाया है बहुत पुराना है। पोपरी जरूर बताएगी करामत साईं को और हमारी FIR धरी की धरी रह जाएगी और पुलिस वाले मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। ठीक कहा आपने, पोपड़ी की बगावत को कुचलना होगा अभी और इसी वक्त। क्या करोगे तुम? जो कुछ भी करना पड़ा। अमीर बख्श, हम जानना चाहते हैं कि तुम क्या करोगे। अगर वो पुलिस थाने पहुंच गई है
तो भी, और अगर नहीं पहुंची है तो भी छुआ लूंगा इस पोपड़ी को। जब मुद्दा ही नहीं होगा तो कैसा मुकदमा और कैसी तफ्तीश। हमें डर लग रहा है नील बख्श। आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा बटेरी। हम क्या करेंगे इस्लामाबाद जाकर? फरियाद करनी होगी, इंसाफ मांगना होगा, फिराज तलब करेंगी आप मोहसिन शाह के खून का, साईं शामीर के खून का, बड़े से बड़े दरबार में, हर जगह। मगर किससे? बहुत से हैं, करामत शाह के दुश्मन भी और उसके मुखालिफ भी। जलते हैं पीर साईं से, वही लोग करेंगे आपकी मदद। आप फिक्र मत करें, मैं करता हूं इंतजाम। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है नील बख्श, हमें समझाइए आप। डेरी, हम दोनों बहुत बड़ा कदम उठा चुके हैं, अभी अगर हम पीछे हटेंगे तो बेइज्जती होगी आपकी भी और मेरी भी। क्या मतलब है तुम्हारा? पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो हमारी एफआईआर पर आगे बढ़े। दायर है, कहां हम कहां करामत शाह, फर्क तो है ना वडेरी। नतीजा क्या निकलना है अमीर बख्श? हमारी शिकायत, हमारी रिपोर्ट उसी तरह दबी रहेगी जैसे मोहसिन शाह दबा हुआ है अपनी कब्र में। नहीं, खामोश बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। मैं इंतजाम करता हूं कल आपके इस्लामाबाद जाने का। दो दिन बाद फिर साहब, ये कैसे हो सकता है? निकाह और रुखसती बड़ी सादगी से होगी, जश्न तो फिर मनाते ही रहेंगे, पूरी जिंदगी पड़ी है। एनी प्रॉब्लम? आप नहीं दे देंगे, नो प्रॉब्लम, आपका हुक्म सुना होते हैं। लेकिन फिर साहब, आपको इतनी जल्दी क्यों है? देखें, पहले भी हम सुस्ती कर गए और मंजर बदल गया, इस दफा हम रिस्क नहीं लेंगे। पीर साहब, किसी बड़े को ले आते तो सारे मामलात भी तय हो जाते, ये काम तो बुजुर्गों के फराइज में आता है ना? ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे बड़े हैं, इन्हीं की गोद में मैं पला हूं, इनसे बढ़कर कौन हो सकता है? ये तो खलीफा है ना आपके? ये मेरे खलीफा हैं और मेरे हिदायतकार हैं, इनकी गोद में पला हूं। सर वो तो ऐसा, मैं अलिश्बा को लेकर आती हूँ। रहने दीजिए, रस्म शुरू हो चुकी है, अब हम दुल्हन को घूंघट उठा कर ही देखेंगे, उससे पहले नहीं। बड़े लोगों की बड़ी बातें, किसी को वजादारी सीखनी है तो आपसे सीखे। आप लोगों के चेहरे पर परेशानी साफ जाहिर हो रही है, बेशक आप बोले ना। हमारी गोशा नशीनी का कुछ साजिशी लोग फायदा उठाएंगे, I'm sorry for that. Take my word for it. आप लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Thank you very much. यार वे मोड़ मुहार वे, यार
ख्याल है? आप तो इस पीर फैमिली के पुराने खादिम हैं। ये तो नासाई कोई खबर है जी। मौत से दो दिन पहले मौसम शाह किसी गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए थे। इसकी क्या वजह है? क्या उनका पीर साई से झगड़ा हुआ था? नहीं कि नहीं, झगड़ा तो कोई नहीं हुआ था जी। और वैसे किसकी जरूरत है जी, हमारे मुर्शिद साई से झगड़ा करी जी। और वैसे भी मौसम शाह साहब तो बड़े शरीफ आदमी थे। अच्छा, तो फिर घर छोड़ने की वजह क्या थी? तफसील बताएंगे आप इस मामले की? मुझे माफ कर दो मोहसिन, मुझे माफ कर दो। ठिकाने आ गए तेरे या नहीं? क्यों कैद कर रखा है मुझे? जानता नहीं मैं कौन हूं? जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। दो टके की दाई पोपड़ी जो अब माई पोपड़ी बन चुकी है। वाह, बहुत तरक्की कर ली है तूने। क्या समझती है अपने आप को? अबे ओ अमीर बख्श, तूने मुझे कैद करके अच्छा नहीं किया। ओ धमकी दे रही है मुझे हा? तू मेरे बादशाह को नहीं जानता। नहीं जानता तू मेरे बादशाह को। चमड़ी उतरवा देगा वो तेरी, जिंदा गाड़ देगा तुझे जमीन में। किन हवाओं में तैर रही है बुढ़िया? न तेरा बादशाह रहेगा और ना ही उसकी सल्तनत। सब खत्म, चुटकी बजाते। अल्लाह ना करे। इस जगह को गौर से देख ले, यहीं पर तेरी मौत होगी। एक वो है माई पीरनी का मजार और एक बनेगा माई पोपड़ी का मजार। अबे जा, धमकी दे रहा है मुझे। बहुत अजाब आएगा तुझ पे, बहुत अजाब आएगा तुझ पे। हश्र खराब होगा तेरा। मेरी फिक्र मत कर, बदलने वाली है मेरी किस्मत। वडेरी और करामत शाह की लड़ाई दोनों को तबाह कर देगी और मेरी असेंबली की सीट पक्की।
कमीना, तुम सच कह रही हो रानी? हाँ हाँ, तारिक झूठ क्यों बोलेगा? और तारिक को तो ढोलन ने बताया, और ढोलन को किसने बताया? खलीफा सैंडल ने। तो ये सिलसिला है, तभी मैं बोलूं करामत ना टूटा हुआ क्यों है? करामत ना कमजोर नहीं है, पीछे कौन बचा? सिर्फ मैं। उजाला, बाप मर चुका है, माँ नाराज है, उसके और मेरे दरमियान अब कोई भी नहीं है। कहाँ चली? जा रही हूँ उसके पास, तुम देखना वो जरूर लौटेगा मेरे पास, क्योंकि वो मेरी सच्ची मोहब्बत है। ये ले, खाना खा। अगर भूखे पेट मर गई तो साई को बहुत बुरा लगेगा। अरे साई अपने दुश्मनों को भूखे पेट नहीं मरने देता। खाना ही तो खा, नहीं तो मर। मरेगा वीरवक्ष, तू भी मरेगा। तू माई पोपड़ी को मारना चाहता है ना? अरे तू भी मरेगा, तेरी गली सड़ी लाश को कीड़े मकोड़े भी नहीं खाएंगे। देख लेना, तो रहेगा। माई, माई, माई पोपड़ी, माई आँख खोल, माई मुझे पहचान। कौन है तू? माई मैं तेरी मुरीदनी। कौन? हकमजादी। माई याद है तुझे, तूने मुझे तावीज दिया था, मेरे शौहर ने अपनी दूसरी बीवी को फौरन तलाक दे दी थी। 7,701 रुपए तूने अमल के लिए थे, याद आया? अरे तू, तू मेरी मुरीद नहीं है? अरे तो यहाँ यहाँ मैं भूखे प्यासी बैठी। निकाल, निकाल मुझे यहाँ से, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। मुश्किल, बाहर दरवाजे पे दो चौकीदार बैठे। मैं फिर से वही अमल दोहराती ताकि तेरा शौहर फिर से दूसरी शादी कर ले। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, मुझे कुछ करने दे, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा अच्छा माई, तू रोटी तो खा, तू फिक्र नहीं कर, जा जा जा, तेरी बतुआ ना लगे। जा 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 जा, कुछ कर, जा जा। कामदार, 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 क्या हो गया? कामदार, लगता है बुढ़िया मर गई। बुढ़िया मर गई? हाँ, उसको मैंने बहुत हिलाया, हिला हिला के देखा, वो कोई हरकत नहीं कर रही है। अब तुम एक काम करो, जल्दी से साईं को खबर करो। चलो साईं को खबर करते हैं। जल्दी करो। साईं, साईं, साईं पोपड़ी मर गई है साईं। अच्छा हुआ, बस कम जहां पार। माई, माई, माई जल्दी चल, जल्दी चल, मैं भी तेरे साथ भाग रही हूँ। अगर वडेरा मेरे को पता चल गया वो तुझे भी मार देगा और मुझे भी। जल्दी भाग यहाँ से। तू सच्ची वाली असली वाली मुरीद नहीं है मेरी। हालात ठीक होते मैं तुझे खलीफ नहीं बना दूंगी। ये खलीफ नहीं क्या होता है माई? अरे जैसे मर्द खलीफा होते वैसे औरत खलीफ नहीं होती। आगे क्या हुक्म है साईं? दफन कर दिया उसको। अभी नहीं साईं। तो किसका इंतजार कर रहा है कामदार?
मैं आऊंगा उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने। माफी साईं, माफी। खड्डा खोद, उसमें डाल दे उसे, ऊपर से मट्टी डाल देना, किसी को कानो कान खबर ना हो, समझा? जी साईं, जी साईं। पोपड़ी। मान गई माई पीरनी, मान गई, मान गई तुम्हारी तुम्हारी रूहानी ताकत को। इतनी कड़ी आजमाइश, मेरे इश्क पर भरोसा नहीं था, मेरा हौसला आजमा रही थी। देख लो, तुम्हारे दरबार में सुरखुरु होके आई हूँ, इम्तिहान में कामयाब हो गई हूँ। बस एतबार मजबूत रखा, सब्र और कुर्बानी की मिसाल बन गई। दिल का हाल जो हुआ सो हुआ, तुम्हारा हक बनता है। आखिर तुम्हारी बहू बनने जा रही है, अब जल्दी से मुझे अपने करामत से मिलवा दो और बता दो कि वो मुझे अपनी दुल्हन कब बनाए। क्या हुआ? पोपड़ी कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिल रही? हाकिम जाजी ने हमें धोखा दिया है, किसी कमरे में नहीं मिली, सब जगह ढूंढ लिया सब मैंने। मैंने भी सब जगह ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिली। वैसे कर, साईं को कहना कि हमने पपड़ी को दफन कर दिया है, उसे ये मत कहना कि वो भाग गई है। चल ला, मैं तुझे समझाता हूँ, चल मेरे साथ। यार वे मोड़ मुहार वे, यार वे मोड़ मुहार वे। गुदगुदी क्यों कर रहा है मास्टर? नाच करना पड़ता है मुझे। नाक कैसे लूं सर, हाथ लगाए बगैर? अरे डर क्यों गया, मैं तो मजाक कर रहा था। कैरी ऑन। ऐसी शेरवानी चाहूंगा सर, आप देखते रह जाएंगे, यकीन कीजिए। सिर्फ देखनी नहीं है, पहननी भी है, कंफर्टेबल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कल सुबह तक पहुंचा देना मुझे, टाइम नहीं है मेरे पास। जी बिल्कुल पहुंचा दूंगा। मास्टर देर नहीं लगनी चाहिए, तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, समझा? अगर देर लगाई ना तो गर्दन काट दूंगा तेरी। चल अब जा, काम शुरू कर। बिल्कुल मिल जाएगी। क्या हुआ सीन है, डरा दिया तूने उसको? क्या बात है, इतना टेंस्ट क्यों है? हाँ सही मैम, वो भी हूँ और बहुत परेशान भी। मैं खुश हूं और तू फिक्रमंद, ये कभी पहले नहीं हुआ। साईं जो अब हो रहा है ना, वो भी पहले कभी नहीं हुआ। कयामत की घड़ी आ गई है साईं। हम रब से दुआ करेंगे, वो टाल देगा बड़ी से बड़ी कयामत, रहम फरमाएगा हम पर। हाँ मीना, बेशक सिंह। वो क्या हुआ सिंह? मुंह में छाले पड़ गए सही। मां अपने बेटे की दुश्मन हो जाए, इससे बड़ी कयामत और क्या होगी? फिर वही पुरानी बकबक,
मुझे लगा कोई नई बात करेगा। साईं बादशाह, उन्होंने पर्चा कटवा दिया है। एफआईआर। एफआईआर? किसने? आपकी अम्मा सैंड ने। मोहसिन शाह कत्ल केस में कातिल के तौर पर आपका नाम लिखवा दिया। कातिल? जी साईं, मोहसिन शाह के कत्ल वाले केस में वडेरानी आप पे शक कर रही। थानेदार का फोन आया था मुझे। आप हंस रहे हैं? हंसूं नहीं तो क्या रहूं? अरे बेवकूफ, कोई अच्छा साइकाइट्रिस्ट ढूंढो। अम्मा को ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुझे तो पहले ही शक था उनकी जहनी कैफियत पर। सही, आज वो इस्लामाबाद गई और इस सिलसिले में पता नहीं वो किस किस को अप्रोच करेंगी। जाने दे, इस किस्म के मरीजों को रोकते नहीं है। करने दे उनको जो उन्होंने करना है। सही, सिंदल मेरी बात सुन, ले आएंगे उनको हम घर। की बीमारी बढ़ गई है, ख्याल रखना पड़ेगा उनका। तुम इतनी छोटी बातों पर क्यों टेंशन लेते? माई जल्दी तो, जल्दी तो चल रही हो। अरे माई, अगर अमीर बख्श के बंदों ने देख लिया तो हमें जान से मार देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, बस हम खुद ही कहीं पहुंच जाएंगे। हम जा कर रहे माई। अरे पीर के डेरे पे जा रहे हो, उसके अलावा हमें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। माई, मेरा बच्चा, मेरा शोर, उनको अमीर अमीरी मार देगा जान से। अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तो चाह रही हूँ ना, अपने नूर मोहम्मद को छोड़ के जब अपनी जान पे बनी हो ना तो कोई नजर नहीं आता। बस नहीं माई, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं जान दे दूंगी। तो आखिर 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 मैं क्या करूं, मुझे बता, मैं नहीं आ रही तेरे साथ। अरे तुझे जाना पड़ेगा, सबको फोन कर लेंगे। मैं नहीं चला जा, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। बंदोबस्त हो जाएगा, बस कुछ कर को गाड़ी रोक, मुझे भिजवा जल्दी से। माई अरे जल्दी से भेज दे मुझे। चल भाई। हाँ भाई, शादी की तैयारियां मुकम्मल हुई। यूसुफ, ये कैसी अजीब शादी है, ना कोई रस्म ना कोई फंक्शन। शादी ना हो जैसे जैसे कोई साजिश हो रही हो। हमारी एक अकलौती बेटी है, मेरे तो सारे अरमान धरे के धरे रह गए हैं। वक्त के तकाजे और मसलहत को समझो तजीन। पीर साहब की ख्वाहिश हुक्म का दर्जा रखती है और हमारा इंटरेस्ट उनकी ताबेदारी से वाबस्ता है। ये भी क्या ख्वाहिश हुई, सुबह ही सुबह रुखसती करनी है, ये भी भला कोई बात है? अरे भाई, उनकी रिवायतों का एहतराम करना हम पर फर्ज है। अगर वो अपनी दुल्हन को रुखसत करके गांव ले जाना चाहते हैं और माई पीरनी की कदम बोसी कराना चाहते हैं, हमें क्या एतराज है? लेट हिम डू इट। मामा, टेलर को बोला था मैंने कि अच्छे से कपड़े बनाए, फिटेड बनाए, इतना लूज बने, ऐसे लग रहे हैं कि आपकी शादी के कपड़े। अब मैं क्या करूंगी? बेटा डोंट वरी, मैं पिनअप कर दूंगी, ठीक हो जाएगा। नहीं, उसे अभी फोन करें और उसे कहे कि आकर ले जाए ये कपड़े, ठीक कर ले से। मेरी जान, अगर इन टाइम उसने कपड़े वापस ना किए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। प्रॉब्लम तो होगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखा तूने हमारी बेटी को? वेरी गुड, शी अंडरस्टैंड्स। अभी बेटी किसकी है?
She's very smart. Very smart. लेकिन यूसुफ, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हो गया तुमको? ये वाला देखो, ये भी अच्छा है। अच्छा लग रहा हूं जी। और अब बहुत अच्छे सही, बहुत अच्छे। कहां खोए हुए सीन, देख तो लो मेरी तरफ। तुम्हारे सिवा और दुनिया में मेरा है कौन? कोई नहीं मेरे बादशाह का। हुस्न व जमाल किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। सजधज की खैर हो, चमकता और सलामत रहे, जलवे कायम रहे। तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? सही, मेरी समझ में आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा। कल आपकी शादी है, आप निकाह करें और चले जाएं मुल्क से बाहर। क्यों, क्यों चला जाऊं? सही, हनीमून के लिए। हनीमून आजकल तो ये फैशन में है। गांव क्यों जा रहे हैं? अब क्या फायदा है, गांव नहीं जाए। एहसान फरामोशी का सबक पढ़ा रहा है मुझे। माई पीरनी के मजार पर हाजिरी ना दूं जिसकी वजह से मेरी दुआएं कबूल होती। सही, तींदल मेरी बात सुनो। पीरी मुरीदी का तहफ़ अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? गुनहगार बनाना चाहते हैं। शुक्र अदा ना करें हम अपनी माँ का? शुक्रिया अमीर बख्श, बहुत शुक्रिया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी आसानी से मेरी फरियाद सुन ली जाएगी इस्लामाबाद में। खादिम है, नौकर है वडेरी आपके, आपको गलत मशवरा कैसे दे सकते हैं? मैंने पहले से बात कर रखी थी। अच्छा, मगर ज्यादातर लोग दूसरी पार्टीज के थे, हमारी पार्टी के नहीं थे। पार्टी से क्या होता है वडेरी, अंदर से ये सब लोग एक होते हैं, चाहे हमारी पार्टी के हो चाहे दूसरी पार्टी के। अमीर बख्श, कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्या आपको ऐसा लगा या किसी ने कोई ऐसी वैसी बात की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे किसी ने कोई बात नहीं की। तो फिर डरने की क्या बात है वडेरी, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करामत शाह को गिराना चाहते हैं उसके मकाम से, चाहे वो हमारी पार्टी के हो या किसी और पार्टी के। हाँ, महसूस किया हमने, बहुत हमदर्दी कर रहे थे हमसे और सबने मदद करने का वादा भी किया है। वो लोग तो बरसों से मौका ढूंढ रहे थे, अब उनको बहाना भी मिल गया है और मौका भी, करामत शाह को खाक चटाने का। आप अकेली नहीं है वडेरी, आपके साथ लश्कर है। लश्कर यार।